तो मेरा नाम एलन है, जानता कोई मेरे को? जानता कोई मेरे को? मेरे वीडियोस फेमस है पता है, नॉटी अमेरिका का फीचर करता हूँ सब सुधरे तो मेरा नाम एलन है और मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा मजाक यही है, मेरा नाम एलन है, ठीक है, क्योंकि कोई सही लिखता ही नहीं यार। मतलब क्लास में टीचर जब मेरा नाम आता था रोल नंबर में, वो दो साल के बच्चे ना तुझे बात बोलने की कोशिश करते वैसे से लगते थे, अभिषेक, आयुष, रोल नंबर 3 प्रेजेंट मैम, अपन अपन अपन। तो आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, इसके प्रकार। मैं एलन के प्रकार पढ़ता था भाई, 5 प्रकार के होते हैं पता है? नहीं पता ना, मैं बताऊँ। ALAN जो मेरा नाम है, एलन, ALEN एलन, ALLEN एलन, ALLEN एलन, और ALLEN भी लोग एलन बोलते हैं, समझ रहे हो भाई? मेरा दम समझ पा रहे हो तुम है? तो लौंडे दोस्त तो सबके हैं ना है? मैं बताऊँ, अगर दो सिंगल लौंडे फोन पे बात करते हैं ना, घूम फिर के बात बंदी पे आ जाती है भाई। कुछ नहीं भाई, कुछ भी बात हो ना, हाय भाई कैसा है भाई, तेरी हाय लग रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो भाई क्या हो गया? कह रहा भाई शाश्वत की भी बंदी पड़ गई। भाई मैं को क्यों बताऊं क्या मैं? हाँ भाई, तो कह रहा भाई हम दोनों ही सिंगल रह गए, पूरी दुनिया की सेटिंग हो रही है। वो ये बात बोल के मुझे सदमे में डाल देता है, मुझे तो बुरा भी नहीं लग रहा था कि मैं सिंगल हूँ। उसकी बात सुन के मैं उदास हो गया यार, मुझे लग रहा था मैं पता, और मैं इस लेवल पे नहीं सोचता कि मेरी बंदी नहीं पटरी शेट यार बेइज्जती हो रही है। मैं अलग लेवल पे पहुंच जाता हूँ, अगर मेरी अरेंज मैरिज होगी मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा यार, कि उनका बाप एक लड़की नहीं पटा सका? वो तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे, बोले इससे क्या पूछूंगा, इससे तो लड़की पटती नहीं, जब मम्मी के पास चलते हैं। मिडिल क्लास इन द हाउस गिव मी अ चीयर। जो जो अमीर है ना उनसे साइड में मिलना, 10 दिन में कैसे घर की स्कीम सुनाऊंगा। तो मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मैं ना मतलब हमारी फैमिली 2 BHK में रहती है, ठीक है, एक कमरा माँ बाप का और दूसरा कमरा मेहमानों का, क्योंकि मेरे लिए तो सोफा नहीं रखा है ना भाई, मेरे से क्या मतलब है, मेहमान सोफा में बिठा दिया है भाई। और पता है जब हम सोफा लेने गए थे, मेरे को लेके गए थे, मुझे नहीं पता क्यों पहली बार एक फैमिली डिस्कशन में मैं इन्वॉल्व हुआ था, सोफा लेना था भाई, मुझे सोफा लेने लेके गए, बोला बैठ के देख, मैं बैठ गया, कह रहा लेट के देख, पापा बोल रहे लेट के देख, मैंने कहा हाँ पापा अच्छा लग रहा है, पक्का बाद में मत बोले फिर अच्छा नहीं लग रहा, बदलूंगा नहीं मैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में एक और बाजू होता भाई, वहां पे सामानों की इज्जत नहीं होती भाई। आप लोगों में से ब्रश का यूज क्या होता है? ब्रश करने के लिए ना है, मेरे घर पे सर पे मेहंदियां लगती है भाई, भाई पहले पापा लगाते हैं मुच्छो पे, फिर मम्मी लगाती है बालों पे, ठीक है भाई। और एक्स्ट्रा एक और ब्रश है, उससे वॉश बेसन साफ होते हैं, ब्रश करने का मन नहीं करता भाई, मेरे महीने के 3 ब्रश जाते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है मेरा ब्रश उठाने का, भी साफ कर दे फिर वही ब्रश उठा के। और भाई मैं अपने पुराने कपड़ों को मिस नहीं करता भाई, पोछे लग जाते उनके। मेरा एक शर्ट था ऐश वाली, पोकेमोन देखते थे ना, ऐश की फेवरेट शर्ट थी, उसका एच मिल गया, ऐश रह गया, अब भी उसकी ऐश घिस रहे हम। और क्या था यार, एक सेकंड रुकोगे, देख लूं चीटिंग कर लूं, चीटिंग करके सबसे बता। हाँ तो ना मिडिल क्लास में एक और चीज़ है भाई, हमारे ईयरफोन खराब हो जाए ना एक कान, दूसरा कान जब तक खराब नहीं तो नया नहीं लेते। नहीं भाई ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी, हम चला लेते काम। तो भाई एक बार ना मैं ऑटो में जा रहा था, मैं इंग्लिश गानों का शौकीन हूँ, ऑटो में मजे थे पंजाबी गाने, तो मेरे एक कान में एड शीरन गा रहा था, एक कान में यार तेरा लव विद द शेप ऑफ यू वी पुश इट पुल लाइक अ चेतक डू, और भाई इंस्टाग्राम पे कौन कौन है सब है ना, तो भाई इंस्टाग्राम पे नया ट्रेंड शुरू हुआ है, कुत्तों की आइडिया बन रही है,
मैं बार बार सो के उठा, मुझे फ्रॉडो की रिक्वेस्ट आई थी। मुझे लगा पता नहीं कौन है, ओपन माइंड में किसी ने देख लिया होगा, रिक्वेस्ट आई, खोल के देखा फ्रॉडो था पग। और उसकी बायो सुनो भाई, मेरे से बस्त बायो थी उसकी, आई डिडंट चूज द पग लाइफ, द पग लाइफ चूज मी। आंखें बाहर आ गई भाई, शर्म आ गई थी मेरे को, कुत्ते का बायो मेरे से बढ़िया था। ट्यूशन सेंटर में मम्मी मेरा भाई सब है ना, ट्यूशन सेंटर में ना एक चीज होती है, बारहवीं में जब आप आ जाते हो ना, तो ट्यूशन वालों को लगता है आपको मोटिवेशन की जरूरत है भाई, तो क्या करते हैं पिछले साल के टॉपर को बुला देते हैं। बच्चे ऐसे ही बैठते हैं, कौन हो गया पता नहीं, टीचर तो फुल प्राउड 94 98, ये वो वो भी आपके भाई पता नहीं टिकटॉक वाली फील ले जाते हैं, माइक वाइक तो ऐसे लेते हैं, पता नहीं स्टैंड अप करने आए हो, साइड में कर देते हो, ऐसा आता है हमारे सामने आकर खड़ा देते छाती पीट के, बोलता भाई बातें ऐसी ऐसी बोलता भाई, मेरे सिर्फ 94 आए थे, दो बच्चे और मैं खुद पास हो जाता भाई उतना में भाई, थोड़ा बहुत तो मेरे भी आते हैं ना। और फिर क्या बोलता है, मेरे इतने कम नंबर इसलिए आए क्योंकि मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था भाई, 6 घंटे तू बैठ जाता था, 1 घंटे नहीं बैठता था तो भाई 20 मिनट बुक ढूंढता हूँ मैं, फिर 20 मिनट सिलेबस ढूंढता हूँ, फिर 20 मिनट भी पढ़ता नहीं हूँ, दोस्त को फोन करता हूँ क्योंकि मुझे पता ना वो पढ़ता नहीं है, उससे फोन करके बोलता हूँ भाई क्या कर रहा है, कह रहा भाई बुक नहीं मिल रही यार। तो अभी ना मेरे घर पे ट्यूशन सेंटर का वो है एडवर्टीजमेंट है, तो गजब का था वो भी, उसमें क्या लिखा था, वही लिखा था 1 to 8 तक हम आपका काटते हैं, 9 to 12 में अलग टीचर बुलवा के कटवाते हैं, फिर वही सारे इनिशियल्स लिखते थे, UPSC JEE हमसे कुछ भी होगा नहीं, मतलब ऐसी लिखा होता। मैंने पेज पलटा, अंतरात्मा यहाँ साइड में खड़ी होगी भाई मेरी, वहाँ पे एक बंदा था तोंद लिए दो थम्स अप, यहाँ से एक बादल निकल रहा, यहाँ से एक बादल निकल रहा, और भाई उसमें तुम सबसे बढ़िया शायरी लिख रखी थी ना, कुछ नहीं कर रहे तुम, एक बात पे लिखा था आगे है बढ़ना तो शर्मा जी से ही पढ़ना। भाई तुम सब कुछ नहीं कर रहे, दूसरा बादल तो पूछो मत, दूसरे बादल में लिखा था जो शर्मा जी से ना पढ़ा वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा। गालिब साहब खुद नीचे आए मेरे से बोलते भाई चले, मैंने कहा गालिब साहब कहाँ, कह रहा भाई शर्मा जी से मिलना जानना कौन सा मार्ग होता है। तो भाई मेरे नाम की ना इतनी दिक्कत है कि मैं ऑर्डर नहीं दे पाता है कहीं पे, ऑर्डर होता है ना डोमिनोज वगैरह का, ऑर्डर नहीं दे पाता मैं उनसे जाके बोलता हूँ ये दे दो वो दे दो वो भी दे दो, कहते सर ये हो गया वो हो गया ये भी हो गया, सर मैं नो योर नेम, मैं कहता हूँ एलन, कहती ओके सर, बिल निकल के आता है कुछ और ही, सबसे बढ़िया नाम पता मैंने अपने क्या पढ़ा है, मेरे नाम में लिखा था बिल बना था AVLMNE नाम से, भाई मैं अपने शरीर के सारे छेद खोल दूँ ना तब भी एलन नहीं बनता ये, सच बता रहा हूँ भाई। और तो भाई मैंने क्या सोचा, मैं अपना छोड़ो नहीं बनूंगा, छोड़ो नहीं मतलब नकली नाम, जैसे है ना डीजे साहब डीजे पहले भी दुआ डीजे परछाई, वैसे ही मैं भी ना नाम रखूंगा ठीक है। तो मैंने अपना नाम रख दिया प्रकाश। गजब की बात ये है, अब वो मेरा नाम सही बोल रही थी, वो मेरा नाम मुझे करेक्ट करके बता रही, भाई मैंने बोला ये दे दो वो दे दो ये भी दे दो, कहती सर ये हो गया वो हो गया ये भी हो गया, सर मैंने नोवर ने, मैंने कहा प्रकाश, कहती प्रकाश। प्रकाश ये सर प्रकाश, मैंने कहा ये सही है गलत नाम बोला तुम सही था, सही नाम बोला तुम गलत दे दो, तो आखिर मेरा क्या ही बोलो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना है, यूजर नेम है मेरा एलन की स्पेलिंग गलत है, सच है ये मजाक नहीं है, सच मानो AN की स्पेलिंग गलत है, मिलूंगा मैं आखिर मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा मैं शायरों को, अगर आगे है बढ़ना तो शर्मा जी से ही बढ़ना। थैंक यू सर।